यूपी की राजनीति की बात हो तो फिर टोटके की बात आखिर क्यों ना हो। जब जब चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद उन टोटकों का जिक्र भी जरूर होता है जिसे कई बार मुख्यमंत्री करते हैं तो कई बार नहीं। खैर ये तमाम टोटके भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह ना रोक पाए। सबसे अलग हटकर वो हर काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जिसे करने से प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री घबराता रहा क्योंकि ऐसा जिसने किया उसकी कुर्सी गई। पूरे कार्यकाल में उन्होंने 3 टोटकों को दरकिनार किया। कहा जाता है कि यूपी का जो भी मुख्यमंत्री हो अगर कुर्सी पर रहते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में आया तो अगले चुनाव में कुर्सी चली जाती है। नारायण दत्त तिवारी हो या फिर वीर बहादुर सिंह, दोनों ही सीएम रहते हुए नोएडा आए और अगले चुनाव में हार मिली। इसके बाद मायावती भी साल 2011 में नोएडा आई तो साल 2012 के चुनाव में हार का सामना उनकी पार्टी को करना पड़ा। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव नोएडा नहीं आए और अगर नोएडा के लिए किसी परियोजना का उद्घाटन करना हो तो दिल्ली या लखनऊ से ही वो किया करते थे। इन सब से हटकर योगी आदित्यनाथ ने काम किया और अपने 5 साल के कार्यकाल में वो कई बार नोएडा के दौरे पर आए। ये भी कहा जाता है कि सीएम रहते हुए आगरा सर्किट हाउस में जिस भी सीएम ने रात गुजारी हो और उसकी अगली बार हार तय होती है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए आगरा सर्किट हाउस में रुके थे लेकिन कुर्सी चली गई। यही वजह है कि मायावती हों या फिर अखिलेश यादव कभी भी सीएम रहते हुए आगरा सर्किट हाउस में पूरी रात नहीं रुके, लेकिन ये मिथक भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और सीएम रहते हुए आगरा सर्किट हाउस के सबसे बड़े कमरे में रात में रुके। कहते हैं जिस सरकार ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे की सौगात दी वो सरकार वापस नहीं आती। मायावती ने ताज एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया तो अगली बार सरकार चली गई। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, बाद में उनकी सरकार गिर गई। इन सभी के बाद ये भी चर्चा होने लगी जिस सरकार ने एक्सप्रेसवे को लेकर काम किया वो चली गई, लेकिन योगी सरकार ने एक के बाद एक 3 एक्सप्रेसवे की सौगात दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ शायद टोटकों को नहीं मानते और कार्यकाल में तमाम टोटकों को दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ते रहे और दोबारा सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ ने नई कहानी लिख दी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।